ये वो तीन फैक्टर्स हैं जिन पर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है, एल कंडक्टर का लेंथ है और ए कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर मटेरियल में रेजिस्टिविटी कम है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा और अगर उसमें रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये कॉन्स्टेंट रो और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है और इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर है। चलिए इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का एक फैक्टर है जो मटेरियल के नेचर को ध्यान में रखती है। ये एक मेजर है जो बताता है कि एक मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का कितना विरोध करता है। हम पहले से ही जानते हैं कि मेटल्स और एलॉय इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं और रबड़ और ग्लास जैसे नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं। ये हमें उनकी रेजिस्टिविटी के बारे में कुछ बताता है। नॉन मेटल की तुलना में मेटल्स और एलॉय में रेजिस्टिविटी कम होती है। इस टेबल में अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी के बारे में बताया गया है। याद रखें कि हमने टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट एज्यूम किया है। आप देख सकते हैं कि मेटल्स और एलॉय में रेजिस्टिविटी बहुत कम है और ग्लास और रबर जैसे इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा है। क्या आपने एलॉयज के बारे में कुछ और नोटिस किया? कांस्टेंट एन कॉपर और निकल का एलॉय है और इसकी रेजिस्टिविटी कॉपर और निकल से ज्यादा है और आमतौर पर ऐसा ही होता है। एक एलॉय की रेजिस्टिविटी उसके कंस्टिट्यूएंट मेटल से ज्यादा होती है।